हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऑइंटमेंट्स और क्रीम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑइंटमेंट्स और क्रीम क्या होता है। तो ऑइंटमेंट्स और क्रीम हम उसे कहते हैं जो हमारी घाव या चोट में संक्रमण का इलाज और रोकथाम करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ फेमस ऑइंटमेंट्स और क्रीम के बारे में जिसे हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑइंटमेंट वो है हमारा ओमनीजिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। आपने इसका टीवी पर काफ़ी एड वगैरह भी देखे होंगे। ये ऑइंटमेंट्स अगर आपके मसल्स में दर्द हो रहा है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। अगर आपके कहीं पर भी स्वेलिंग हो जाती है उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके कहीं पर घाव या चोट लग गई है तब आपको इसका यूज नहीं करना है। ये ऑइंटमेंट्स आपको वहीं यूज करना है जहां कट ना लगा हो और वहां से ब्लड ना निकला हो। इससे आप जहां अंदरूनी चोट लगी हो और वहां से ब्लड ना निकला हो वहां यूज कर सकते हैं। ये ऑइंटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसे आप इजली किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के कंपोजिशन मिल जाते हैं जो कि अपना अलग अलग काम है वो करते हैं। अब नेक्स्ट ऑइंटमेंट आता है, वो है हमारा पोविडोन आयोडीन का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये आपके घर में हमेशा रहना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और ये फर्स्ट एड किट में भी आता है। अगर आपके स्किन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, आपको माइनर सा इंजरी कहीं कट लग जाए और वहाँ से ब्लड निकल आया है, और अगर आपके शरीर का कोई अंग थोड़ा सा कहीं जल गया हो तो आप इस ऑइंटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑइंटमेंट्स इंडिया का नंबर वन ऑइंटमेंट्स भी है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। इसका अलग अलग ब्रांड नेम है लेकिन आपको इसका कंपोजिशन नाम हमेशा याद रखना है, जो कि पोविडोन आयोडीन के नाम से है। अब नेक्स्ट क्रीम आता है, वो है हमारा लुलिकोना जोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। मैंने आपको यहाँ एक क्रीम मेंशन कर रखी है लुलिफोर्ट के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको दाद, खाज, खुजली जैसी कंडीशन है, तो ये क्रीम आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाली है। ये आपके किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में, रिंग वर्म जैसी कंडीशन में जो कुछ होता है, जो कुछ इसमें क्या होता है कि आपके जेनिटल वाला पार्ट होता है उसमें आपको अगर फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, खाज, खुजली वाली कंडीशन होती है तो आप इस क्रीम को वहाँ यूज कर सकते हैं। ये एक ओटीसी क्रीम है जो कि डॉक्टर द्वारा भी प्रेस्क्राइब्ड की जाती है। अगर आपके बॉडी में रेडनेस जैसी कंडीशन, लाल दाने निकल आए हैं, अगर आपको इचिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्रीम है वो है हमारा सिल्वर सल्फर डायजाइन, जो कि आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है और ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रहनी चाहिए। तो ये जो क्रीम है जो कि SOS के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये हमारा सिल्वर सल्फर डायजाइन क्रीम है। वो एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो कि आपके बर्न थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर आपके घर में कोई सदस्य थोड़ा बहुत जल गया हो तो आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है। अब नेक्स्ट क्रीम आता है, वो है हमारा बेटामेथोसिन के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि बेटनोबेट के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, बेटामेथोसिन जो कि एक तरह की एंटी एलर्जी ड्रग होता है, तो यहाँ पर अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, आपको खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके आपको अलग तरह की कॉम्बिनेशन मिल जाती है, बेटनोबेट N भी आता है और बेटनोबेट C भी आता है, तो ये अलग अलग पर्पज़ से यूज किया जाता है। अगर आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो, इचिंग हो, एलर्जी हो तो ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट क्रीम देखेंगे, वो है हमारा क्लोट्रिमाजोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्रीम है,
तो ये लुलिकोनाजोल से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। अगर आपके बॉडी में रिंग वर्म जैसी कंडीशन है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या आपको पसीना ज़्यादा और वहाँ लाल चकते की तरह हो गए हैं, तो उस कंडीशन में ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आपको इचिंग हो रही है या लाल लाल दाने की तरह हो चुकी हैं, तो ये क्रीम आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। ये क्रीम आपको अलग अलग ब्रांड से मिल जाएगी, लेकिन आपको इसका कंपोजिशन नेम क्लोट्रिमाजोल याद रखना है। अब नेक्स्ट क्रीम आती है, वो है हमारा मेडर्मा के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा यूज में लाई जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में यूज की जाती है, तो ये डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक्ने जैसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो क्रीम है काफ़ी अच्छा साबित होने वाली है। अगर कोई भी पेशेंट है वो सर्जरी कराकर आए हैं, तो उसके जो स्ट्रेचिंग होती हैं, जो कि माइनर स्ट्रेचिंग होती हैं, तो इस क्रीम का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ स्पॉटिंग होती है, उसको ये क्रीम हटाने में यानी रिमूव करने में बड़ी काम आती हैं। और ये काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं, अगर कोई जल गया हो तो जलने से वहाँ निशान हो जाती हैं, तो उस निशान को हटाने में ये क्रीम बहुत काम आती हैं। अब नेक्स्ट क्रीम आती है, वो है हमारा पाइलेक्स। दोस्तों, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये क्रीम कहीं ना कहीं पाइल्स से रिलेटेड है, जिसे हम हिंदी में बवासीर कहते हैं। ये बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है अगर हम इसे टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। अगर आपको रेक्टम वाली पार्ट में इचिंग हो रही है, तो इस क्रीम का यूज किया जाता है, और आपको पाइल्स जैसी कंडीशन है तब भी इसका यूज किया जाता है। अगर आपके रेक्टम वाली पार्ट में सूजन आ जाती है, तो भी इसे यूज किया जाता है। अगर आपके रेक्टम वाली पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रीम है, जो कि पाइलेक्स फोर्ट के नाम से है, जिसे हिमालया कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ये जो क्रीम है जो नेचुरल फार्मूला पर बेस्ड है, इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल यूज नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्रीम डिसाइड की है। तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, हमने आपको जितने भी क्रीम बताई हैं, वो सारी ओटीसी क्रीम है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको बिना डॉक्टर के सलाह के इसे यूज नहीं करनी है। कोई भी दवा यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।